पत्र, औपचारिक पत्र मैम, पद और पद, पद परिचय और पत्र। परिचय के लिए तुम क्या करते हो, कौन से होते हो, बच्चों के लिए बता दो, नाम बता दो मुझे, किसकी दो क्लास में क्या पढ़ाया हमने, लिंग, काल, वचन, संज्ञा, विशेषण। वचन, काल, लिंग, क्रिया, संज्ञा, बच्चों के लिए सर आया ना? यस मैम। मुझे बच्चों के लिए ध्यान अब जो है परिचय के अंतर्गत तो उसके कॉन्सेप्ट ऑफ भी पहले पढ़ चुके हैं, अब आगे इसमें है क्रिया विशेषण और कारक, ये भी आपके व्याप टॉपिक इसी के अंतर्गत आते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिया विशेषण देखते हैं ना, कारक आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रतिदिन क्लास में, तो आपको जानकारी होगी। पहले हम क्रिया विशेषण कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कारक करेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण देखते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है, नाम सुना है इसका? यस सर। यस मैम। क्या होता है बताइए, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। हाँ वेरी गुड। हाँ, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, है क्रिया विशेषण। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, क्रिया विशेषण ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता, ऐसे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, कहते हैं क्रिया विशेष। ठीक है, एक परिभाषा हो गई, सरल सी परिभाषा है। आप हमें इसमें देखना है क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं आप बता रहे हैं आप लोगों को, कोई भी बच्चा क्रिया विशेषण के प्रकार, देखिए क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, चार। ठीक है, कितने होते हैं, चार, जब कीजिए क्रिया विशेषण के चार भेद, हाँ चार भेद माने गए। क्रिया विशेषण दूसरा हो गया कारणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और चौथा कीर्तिवाचक। चार प्रकार होते हैं इसके, कौन कौन से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक और कीर्तिवाचक क्रिया विशेषण, और एक
परिमाण हो सकती है उसके साथ कुछ आप अभी देखते हैं तो कुछ स्थान वाचक भी हम सर तुरंत काल वाचक क्या विशेषण इंसान जो है इंद्रिय वाचक क्रिया विशेषण ये इसके चार काम हैं संपत्ति क्रिया विशेषण कारणवाचक नीतिवाचक परिमाण अब हम एक एक करके और पुनः एक ही बार में विस्तार से देखते हैं ठीक है सबसे पहले स्थान वाचक क्रिया विशेषण के क्या होता है इसमें हमें स्थान का पता चलता है इस क्रिया के द्वारा क्या स्थान का पता चलता है जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं मानी के द्वारा के मन वहां जाकर बैठ इसमें जो क्रिया है बैठ और इनका जो है इसके द्वारा क्रिया के द्वारा हमें यहाँ पर क्रिया को है लेकिन क्रिया बैठो और जब क्रिया के द्वारा क्या पता चल रहा है वहाँ क्या है इसलिए ये स्थान वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बच्चे चले गए हाँ इस उदाहरण में पता है कौन सा जो है क्या पता चल रहा है ऐसे भी बचाने के लिए स्थान वाचक क्रिया विशेषण है कहाँ कौन से शब्द के द्वारा हमें पता चल रहा है कहाँ कहाँ हाँ जो है ये स्थान वाचक क्रिया विशेषण तो किसके द्वारा हमें पता चल रहा है तो चलिए तो ठीक है उदाहरण हो देखते हैं सर्वत्र इसमें कौन सा है सर्वत्र हाँ सही ठीक है सर्वत्र सिद्धारण ठीक है आगे दूसरा
मिश्रण का है इसका काल वाचक क्रिया है काल मतलब समय ठीक है दूसरा देखते हैं हम काल वाचक क्रिया इसमें काल वाचक जैसा काल होता है तो समय का पता चलता है हमें प्राणायाम करना चाहिए प्रतिदिन वो महावीर प्रतिदिन तो इसमें तो हमें प्रतिदिन सबसे पैदल सुबह 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 ये सब से ठीक है योग दिवस प्रतिवर्ष आता है हम क्या रीति क्या पता चलता है क्रिया होती है उसका तरीका पता चलता क्रिया कैसी हो रही है तरीका है क्रिया को बुरे को धीरे अचानक तो इसमें क्या होगा कौन सा शब्द है अचानक अचानक
इससे बार बार इसमें कौन सा बार 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 क्या है पढ़ने के लिए कैसे बार बार वो सब ठीक है आपके लिए दो तीन प्रकार हम ये जो आता देखते हैं परिमाण वाचक क्रिया अब ये जो है क्या होता है मात्रा का मुझे पता चलता है उदाहरण देखिए बहुत उसमें परिमाण बहुत उसे सबसे पता चल रहा है बहुत हाँ कि द्वारा जो है मतलब क्रिया है लेकिन उसकी जो परिमाण उसका मात्रा कि क्या होता है कम तो इसमें अधिक बहुत कम ज्यादा होगा इस सब में ऐसे का कोई ना कोई मात्रा का या फिर इतना ठीक है एक या विशेषण हो गया और उसके चार प्रकार हम देखते हैं कारक अगला नंबर टॉपिक पहले भी यहाँ पर चुके हैं और भी आसमान में पत्थर होते हैं देखिए यहाँ पे आने वाले दरवाजे में भी रखूं जब हम शादी की तरफ से मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्लियर नहीं है क्लियर तो होनी चाहिए बेटा आवाज तो हाँ कारक के बारे में आपने पहले पढ़ा है हाँ या ना जवाब दीजिए यस मैम यस मैम यस जानते हो कारक वैसे तो क्या है इस संस्कृत भाषा का शब्द ठीक है इसका कारक का अर्थ बताइए इसका अर्थ क्या है कारक से क्या समझते हैं कारक से क्या समझते हैं क्या होता है कारक से स्टार्ट होते हैं बेटा से स्टार्ट होते हैं जैसे का की के अच्छा ठीक है वो आप जो उसके जो चिन्ह होते हैं वो बता रहे हैं ना ठीक है कोई बात नहीं आप समझ लीजिए आप है ना कारक जो है हम कहते हैं तो क्रिया का करने वाला कारक क्या होता है क्रिया को करने वाला आप
ना हम कह सकते हैं इसको, और समझिए मतलब क्रिया को पूरी करने में अपनी भूमिका निभाता है, क्रिया को करना ही है ठीक है, लेकिन क्रिया को करने में क्रिया को पूरी करने जो भूमिका निभाने वाला क्रिया को पूरी करने में क्रिया को पूरी करने में अपनी और ये जो भूमिका है इसके द्वारा जो निभाई जाती है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा ठीक है, क्रिया को पूरी करते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा भूमिका निभाई जाए अर्थात इसको कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का जो संबंध है संज्ञा और संबंध के संबंध है उसको हम कारक तो ये इसका सामान है अर्थात वाक्य में जो क्रिया का संबंध संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ होता है, क्या संबंध होता है किसके साथ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ कारक के कितने भेद होते हैं जानते हैं आप लोग? पांच, पांच नहीं होते और कोई बच्चा कारक के भेद हम लेते हैं तीन, जल्दी से बताइए बेटा कारक के कितने भेद होते हैं क्या भेद होते हैं आठ, कितने होते हैं आठ, आठ वो आठ प्रकार के माने गए ठीक है, अपादान कारक फिर इसके बाद संबंध कारक फिर अधिकरण संबोधन कारक अधिकरण कारक और संबोधन कारक ये आठ प्रकार के क्रम इनका इस प्रकार से रहता है, आप बोल रहे थे लेकिन थोड़ा सा क्रम ठीक भी था उसका तो ये जैसे पांचवा अपादान और छह नंबर पर क्या
संबंध सातवां अधिकरण कौन है और आठवां सिंधु सूत्र कारक जो है इनके एक कुछ स्ट्रिंग हो गई है वो जो कारक मिलेगा उसको वहां पर वैसे तो चिन्ह आपको जरूर मिलेगी वहां पर तो मैं एक दिन पहले समझ लीजिए और आप याद भी कर लीजिए यदि याद हो जाएंगे तो आप जो है आपको आसानी से सरलता से पता चलेगा कर्ता कार्य इसका होता है क्या भी पढ़े हैं फिर आप ध्यान भी होगे कर्ता ने फिर दूसरा हम कर्म कार्य होता है तो होता है वो तो ये तीसरा पद संप्रदान को के लिए संप्रदान संप्रदान का क्या होता है के लिए क्या होता है को के लिए के अपादान के लिए अपादान से ये तो संस्कृत की भाषा है बताइए संबंध काके की संबोधन के बाद अधिकरण अधिकरण क्या होगा मे पेपर क्या बसता है संबोधन संबोधन इसमें कैसे संबोधन संबोधन जो है इसमें चिन्ह जो आपको याद होने चाहिए सभी को और आसानी से आप याद कर सकते हो कोई कठिन नहीं है कर्ता का क्या है कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग हो गया अधिकरण के पे पर संबोधन के हो इनसे क्या है आपको कारक पहचानने में सरलता हो जाएगी याद कर लोगे तो ठीक है अब उदाहरण पहले देखो आज को एक पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन कितना होता है थोड़ा और देखते हैं इसको एक एक के बारे में विस्तार से देखते हैं सबसे पहले
क्या होता है, कर्ता से क्या समझते हैं, कर्ता कौन, कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला, कर्ता किसी ने कोई कार्य किया को करने वाला, ठीक है, किसी ने कोई कार्य किया था, क्रिया जिसके द्वारा की जाती है उसे कर्ता कहा जाता है, क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे कर्ता कहा जाता है। क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है पहचान कर बताइए, खाना सबिता, कर्ता कौन सा है, स्वेटर में कर्ता कौन होगा, सबिता सबिता सबिता, खाना खाना एक क्रिया है ना, कर्ता कुछ लेकिन इसको क्रिया करने परिभाषा के सामने ही है, कर्ता कौन होता है जो क्रिया को करता है, क्रिया जिस द्वारा की जा रही है करता होता है, ठीक है, तो ये कारण हमारा संविधान काम कौन करता है, संविधान, और ये दूसरा जो है पहचान ये भी हम सकता है, ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे हम देखो लगभग में सफाई की पहचान लेंगे, यस मैम, कारण क्या होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारण होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव कर्म कारण, जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म का, उदाहरण देखिए आपको, काफी
पक्षी को बच्चे 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 ये देखते हैं छात्रों को बच्चे छात्रों पहचान लो क्या? यस मैम यस मैम ठीक है बच्चों ठीक है तो अभी एक और कर्ण कर्ण का वो देख लेते हैं लास्ट उसके बाद समझते हैं पहचान गोपाल सिंह क्या है याद है क्या है इसका करण का करता ने काम को करण से किसी के द्वारा किए जाने वाला कार्य हाँ करण का क्या होता है इस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है जब पूरी होती है ये भी हम कह सकते हैं तो इस साधन से क्रिया संपन्न की जाती है क्या है साधन से उदाहरण देखिए मान लीजिए उदाहरण कोई कलम से लिखती ठीक है यहाँ लिखना क्रिया है लेकिन वो किसी साधन के द्वारा तो हो रही है कलम 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 से मैम उदाहरण अच्छा बोतल से बोतल से इसमें कौन सा उपकरण है तो बोतल ठीक है बच्चों क्लास क्लास समाप्त करते हैं बच्चे हुए हैं और पूरा नहीं हुआ है तो अगली क्लास में देखते हैं थैंक यू मैम।